हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट साइंस एग्जाम में उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक से रिलेटेड जो पद निकले हुए थे उनके बारे में आज हम महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। जो ये पेपर होने वाला है फ्रेंड्स, वो आपका नवंबर या दिसंबर में आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तावित है, तो आज हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और इसकी बुक्स के बारे में और इनसे बनने वाले जो आपका एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे रिलेटेड और जो इसका सिलेबस है उससे रिलेटेड आपका पूरी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको जो भी हम प्रयोगशाला सहायक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देते हैं या आपका नए क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए तो आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पद थे आपका, ठीक है, वो पद थे आपका लगभग 434 के आसपास गया है आपका पद निकले हुए थे प्रयोगशाला सहायक में, तो 434 पदों की संख्या निकली हुई थी जिसमें जो आपका पद थे लगभग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अनुश्रवण सहायक के पद थे 8, प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पद थे 7 पद, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के पद थे 2 पद, पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद 291, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के जो पद थे आपका रसायन विज्ञान हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान हो और भौतिक विज्ञान हो, उनके लगभग 87 पद यहाँ पर आए हुए हैं, और आपका विज्ञान प्रयोगशाला अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक जो आपका 9 पदों पर, फोटोग्राफर के 2 पदों पर, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक के जो 5 पद थे उनके अंतर्गत आपको जो पद निकले हुए हैं वो लगभग कितने थे लगभग, और आपका जो केमिस्ट्री के पद है वो लगभग 12 है और फार्मासिस्ट के पद जो आपका दिए गए यहाँ पर वो 8 है, तो आपका लगभग 434 पद यहाँ पर टोटल निकले हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम इनके बारे में पूरा ध्यान से देखेंगे कि जो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा और इसका जो पैटर्न आएगा वो किस प्रकार का पैटर्न होगा और कितने घंटे का ये पेपर आपका होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इसकी आयोग की वेबसाइट पर देख रहे हैं जो आपका विज्ञप्ति निकली हुई थी, इस पर साफ साफ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है जो ये पेपर होगा, चाहे वो आपका अनुश्रवण सहायक का पेपर हो, जो अनुश्रवण सहायक के पेपर में आपका लिखित प्रतियोगिता होगी वो आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो होगी आपका वो 100 मार्क्स की होगी जो कि 2 घंटे तक चलेगी, और जो इसका पैटर्न होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं जो आपका इसका लिखित पाठ जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होगा वो आपका इंटर विज्ञान का सिलेबस है, तो इनके इंटर विज्ञान से रिलेटेड जो आपका बुक्स होती है, चाहे केमिस्ट्री की बुक हो, चाहे फिजिक्स की बुक हो, चाहे जूलॉजी की बुक हो, चाहे बॉटनी की बुक हो, तो उससे रिलेटेड, चाहे मैथमेटिक्स की बुक हो, तो उससे रिलेटेड जो आपका इंटरमीडिएट का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस आपका इसमें भी आएगा और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका पूछे इसमें जाएंगे। तो सभी आपका हम सभी जो आपका पद निकले हुए हैं उनके लिए देख लेते हैं कि जो आपका इनकी लिखित प्रतियोगिता होगी वो किस प्रकार से होगी और कितने नंबर की होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका क्या था अनुश्रवण सहायक। अब दूसरा जो पद आ रहा है वो आपका प्रयोगशाला सहायक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका क्या है जो परीक्षा होगी 100 मार्क्स की होगी और 2 घंटे का इसका जो आपका होगा पेपर पूरा होगा और वही भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जो एग्जाम पैटर्न होगा वो भी इंटरमीडिएट का ही होगा। तो अब आपका जो हमारा नेक्स्ट जो पद आ रहा है वो आपका रिलेटेड है आपके सहकारिता परीक्षक रेशम विभाग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सहकारिता परीक्षक है उसमें भी जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न लिया गया है वो आपका दिया गया है 100 मार्क्स जो आपका मार्क्स है, 2 घंटे का पेपर होगा और जो पाठ्यक्रम आएगा वो विज्ञान स्तर का आएगा। और फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट चल रहा है वो आपका पर्यावरण परीक्षक का चल रहा है जिसमें कि 291 है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी जो आपका मार्क्स होंगे वो आपका कितने का है 100 मार्क्स का जो पेपर होगा और आपका 2 घंटे का ही पेपर है। लिखित परीक्षा यहाँ पे दी गई है 100 की होगी और 2 घंटे का इसका वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपका लिखित परीक्षा दी होगी, जो इसका पाठ्यक्रम होगा वो भी आपका इंटरमीडिएट स्तर का दिया है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है आपका देखिए प्रयोगशाला सहायक। तो प्रयोगशाला सहायक में जो भी परीक्षा होगी ये भी आपका कितने नंबर की होगी 100 मार्क्स की यहाँ पे दी रही है और 2 घंटे का पेपर होगा। तो सभी आपका जो इसमें
पद दिए गए हैं उनके लिए जो पेपर होगा वो सेम ही होगा, सभी के लिए एक ही पेपर होगा और वो आपका 100 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स जो भी आपका ये यहाँ पे पद देख रहे हैं आप, ये हमने इसकी ऑफिशियल साइट से लिए गए हैं। तो ऑफिशियल साइट से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी इनके पद है उनमें से आपका जो इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर का आपका इनका पैटर्न दिया है पाठ्यक्रम का, और जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप इनको देख पा रहे हैं सभी, उसमें जिसने भी अभी तक ये आपका विज्ञप्ति डाउनलोड नहीं देखी है तो आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं सभी के लिए, आप जो आपका देख पा रहे हैं कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके सिलेबस की ओर, जो कि इससे रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप यहां से ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका सिलेबस, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो जो सिलेबस है आपका वो आपका यूकेसीसी की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सिलेबस न्यू सिलेबस है, जिसमें कि आपका पहले तो आपका जनरल साइंस आने वाली है, सामान्य जो विज्ञान है वो आपका पूछा जाएगा। इस सामान्य विज्ञान में आपका जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले तो आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो आएंगे फ्रेंड्स वो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहां पर देखा जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जूलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपका जनरल साइंस से रिलेटेड सभी के लिए आपका कॉमन होंगे, तो सभी के लिए आपका पूछे जाएंगे। यदि फ्रेंड्स आपने फिजिक्स का आपका लैब स्टैंडर्ड का वर्ग आएगा, तो फिजिक्स के लैब स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि क्वेश्चन पेपर में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक्स आएंगी, काइनेटिक्स, मोशन ऑफ वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन। उसके पश्चात जो दिया है आपका फ्रेंड्स वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसके बाद जो आपका थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेज दिया हुआ है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका सिक्स दिया हुआ है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स के बारे में दिया गया है, और फ्रेंड्स जो आपका दिया गया है मॉडर्न सेवन वाला जो अंतिम मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और अंतिम में जो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब कर लेते हैं बुक्स के बारे में बात। तो फ्रेंड्स इसकी जो बुक है वो आपका 12th से रिलेटेड जो भी आपका साइंस की बुक होती है, फिजिक्स की 12th से 11th और 12th की जो बुक्स होती है साइंस की, वो आपको आसानी से ये सिलेबस मिल जाएगा एनसीईआरटी का, तो वहां से आप इनको याद या देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स अब जो दूसरी यूनिट है वो आपका, अगर आपने केमिस्ट्री का यानी कि जो लैब स्टैंडर्ड का जो आपका सिलेबस है वो आपका केमिस्ट्री का है, तो आपका केमिस्ट्री से आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला जो आपका टॉपिक रहेगा, उसके बाद जो दूसरा का टॉपिक रहेगा वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा। तो फ्रेंड्स तीसरा टॉपिक रहने वाला है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी, और जो फोर्थ वाला रहेगा वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वाला रहेगा फ्रेंड्स, और फिफ्थ जो रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर रहेगा, और जो नेक्स्ट वन रहेगा आपका सिक्स्थ वाला वो आपका थर्मो डायनामिक्स से रहेगा, और सेवंथ जो रहेगा वो आपका इक्विलिब्रियम से रहने वाला है। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें दे रखी है हाइड्रोजन एच ब्लॉक एलिमेंट्स, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फ्रेंड्स ये सारे जो चैप्टर हैं वो आपका 12th के चैप्टर है, और आपका जो 11th की जो केमिस्ट्री की बुक है और 12th की जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है वो इसमें आपका सारा सिलेबस आपको आसानी से मिल जाएगा इंटरमीडिएट का स्तर, तो आपका ये आप इससे आसानी से देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट यूनिट जो आपका आ रही है बायोलॉजी से रिलेटेड, अगर आपका क्या बोल गया प्रयोगशाला सहायक आपने भरा है तो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या कर रहा है, कैंडिडेट हैज टू बी अटेम्प्ट ओनली वन सेक्शन आइदर ए एंड बी। अब फ्रेंड्स आप दो में से आप कोई भी चूज कर लेंगे, जो कि आपका ए और ऑप्शन बी है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं इस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन आपको चूज करने को बोले हैं, या तो आप बायोलॉजी चूज करें या बॉटनी चूज करें, ठीक है। तो डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसका जो पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल एंड प्लांट्स, जो आपका पाठ्यक्रम में आएगा जो बायोलॉजी प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर होगा, ठीक। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो आपका सारा ये टॉपिक है वो आपको दे रखे हैं, चाहे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से है, तो सारे आपका बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है जो आपको
ट्वेल्थ की बुक में आसानी से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स जो आपका बी ऑप्शन देखा वो आपका देखा मैथमेटिक्स, चाहे आप बायो चाहे मैथिक्स मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स योगशाला सहायक और बायो वाले बायो को देंगे। तो ये आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो कि आपको हमारी स्क्रीन बॉक्स में आपका आसानी से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस है जो कि आपका इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप इसको देख पा रहेंगे, आपने हमने पूरे आपका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया जो इसका सिलेबस है। और एग्जाम पैटर्न आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर है जो कि 2 घंटे का पेपर होगा, और जो आपका क्वेश्चन मार्क्स होंगे पहले जनरल साइंस का और उसके बाद पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री चाहे मैथमेटिक्स चाहे बायोलॉजी चाहे आपका फिजिक्स, तो आपका ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो आपको हमने बता दिए। अब फ्रेंड्स चलते हैं इसके अंतिम टॉपिक की ओर जो आपका इसकी एग्जाम डेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इसकी एग्जाम डेट है वो आपका प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम डेट है। वो प्रयोगशाला सहायक की जो एग्जाम डेट है वो फ्रेंड्स दी गई है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रयोगशाला सहायक की जो एग्जाम डेट है वो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर। तो प्रयोगशाला सहायक की जो आपका ऑफिशियल साइट है इस पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो इसकी डेट है वो आपका दी गई है लगभग नवंबर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप नवंबर में इसको या दिसंबर में आपको प्रस्तावित है तो इसकी साइट में आप आसानी से इसको देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है कि आपका जो इसका एग्जाम होगा वो किस प्रकार का होगा और कितने मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर भी इसकी ऑप्शन साइट में भी ये दिया गया था पहले, जो इसका पेपर होगा वो आपका जो आपका अनुमानित समय दिया गया था वो आपका दिसंबर 2021 में प्रस्तावित या नवंबर 2021 में प्रस्तावित है। तो अगली वीडियो में हम आपका उत्तराखंड जो आपको प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान का फ्री सॉफ्ट पेपर लेकर आने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो नए क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आपको बना के देते हैं हम वो आपको आसानी से मिल जाए और आ जाए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।